एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संचालन में बाधा आ रही है। दरअसल क्रू मेंबर्स की अचानक छुट्टी पर चले जाने की वजह से ये समस्या हुई है और बीते दिन एयरलाइन की लगभग 90 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई थी। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को लेकर अब नया अपडेट भी सामने आया है। जी हां, न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आज भी एयरलाइंस एक्सप्रेस की 60 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव केरल में हवाई अड्डे पर देखने को मिला है। दरअसल एयरलाइन ने यात्रियों को केरल से हवाई अड्डों से विभिन्न गंतव्यों की यात्रा का वादा किया था। हालांकि अभी भी यात्री फंसे हुए हैं और इस पर यात्रियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। कारण तो हमें कुछ नहीं बताया, वो तो मेरी बेटी ने हमें एक बेटी ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे क्रू मेंबर्स स्ट्राइक पे है। बाकी हमको तो इन लोगों ने कुछ भी रीजन नहीं बताया हमको, सिर्फ हम लोग अभी बोलते हैं 20 मिनट बाद बोलते हैं थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके हम लोग रात के 3 बजे से बैठे हैं एयरपोर्ट पे। और आप देखेंगे तो वेटिंग एरिया में बैठने के लिए सिर्फ 3 चेयर्स है, बाकी कुछ भी बैठने के लिए नहीं है। या तो आपको नीचे बैठना चॉइस है और बैठने के लिए कुछ भी नहीं। बाद में हम सामान के ट्रॉली है उसके ऊपर बैठे और ना ही यहाँ पे कोई भी वॉशरूम है। टिकट होते हुए हमें अंदर सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हमें अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। श्रीनगर, हाँ, हमारी फ्लाइट कैंसिल है और हमें कुछ मालूम नहीं था कि ये फ्लाइट कैंसिल होगी। हमें यहाँ आने के बाद पता चला, हम पुणे से आए और माय नेम इज प्रेमा एकनाथ पटेल, डॉक्टर प्रेमा एकनाथ पटेल, और मैं 85 ईयर्स रनिंग हूँ। सुबह 3 बजे हम लोग यहाँ आए फ्लाइट से और ये फ्लाइट कैंसिल है, वो हमें यहाँ आने के बाद पता चला। न बैठने को जगह है, न चेयर है, कुछ भी नहीं वेटिंग रूम में भी। और हम लोग बाहर आ गए थे इसलिए रूटीन के हिसाब से जहाँ आना चाहिए वेटिंग रूम में आ गए थे, वहाँ कोई वॉशरूम की इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में हम। एयरलाइंस की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं किया गया? कुछ नहीं, हमें बाद में पता चला और वो भी एयर इंडिया से ऐसे पता चला कि उनको भी मालूम नहीं था। So, हम लोग पुणे से आए थे, हमको जाना था कश्मीर, एक्चुअली श्रीनगर जाना था, और रात को 3 बजे हमको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वैसे फ्लाइट पहले ही कैंसिल हो चुकी थी जब हम लोग पुणे से निकले थे, बट उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। लैंड होने के बाद उन्होंने बताया हमें कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया हमारा ट्रिप। 3 बजे से रात से लेके सुबह 9 बजे तक हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे कोई नहीं बता रहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और क्यों हुए, उसका अगला स्टेप क्या है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। होपलेस सर्विस है बहुत ही एयर इंडिया की। वो बोल रहे हैं रिफंड, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग वाउचर्स देते करके, सो पता नहीं क्या है सिनेरियो। अभी तो हमारी पूरी ट्रिप बर्बाद हो गई उनकी वजह से। कुछ नहीं आया एयरलाइन की तरफ से, तो एक मैसेज कैंसिलेशन का मैसेज भी नहीं आया हमें, यहाँ पे आके पता चला हमें। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि 5:30 बजे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो हम लोग श्रीनगर ये टाइम पे पहुंचेंगे। और लैंड जब हुए तब हमारे बच्चों को और हमको पता चला कि हमारी फ्लाइट ही कैंसिल हो चुकी है और दूसरी फ्लाइट ही नहीं मिलने वाली है हमको। तो श्रीनगर पहुंचना तो दूर की बात थी, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक, और मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे इन-लॉज भी है मेरे साथ। हाँ, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला हमको, मैसेज नहीं, उन्होंने फ्लाइट में भी कुछ नहीं बोला। और अभी अभी न्यूज हमको पता चल रही है कि मास्क बंक किया है उनके एम्प्लॉयज ने, तो मतलब इन लोगों को पता होना चाहिए था वो चीज। तो हमारी ट्रिप तो बर्बाद हो गई, आज का एक दिन पूरा वेस्ट गया है, कल का भी दिन वेस्ट जाएगा, ट्रिप तो बर्बाद हो गई हमारी। या और बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए, इसीलिए हमने कश्मीर की ट्रिप प्लान की थी, वो तो वेस्ट गई है। नो रीजन एट ऑल। वो मास्क लीव तो हमको नेट से पता चला है, मतलब गूगल से पता चला है, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला हमको।